खबरें वही जो दिखे। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जोधपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरने में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के सईद अंसारी ने बताया कि निरंतर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जो कि बहुत निंदनीय है। इधर कोरोना महामारी को लेकर जनता त्रस्त है और केंद्र सरकार अपनी नाकामियों की वजह से महंगाई की मार जनता पर डाल रही है, जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। महंगाई पर आप अपनी मन की बात करते नहीं हैं, पूरे देश में जनता परेशान है, इस पर आप कदम उठाएं। वैभव गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार चलाने में बिल्कुल विफल है। आज हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया गया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और महंगाई कम करने की बात कही गई। इस धरने में विधायक बिलाड़ा हीरा मेघवाल, विधायक लूणी महेंद्र सिंह बिश्नोई, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, ब्लॉक अध्यक्ष लियाकत अली अंग्रेज, महासचिव आनंद सिंह चौहान, रमेश बोराना, यूथ अध्यक्ष रियाज मोहम्मद और भी कई कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। खबर है वही जो दिखे।